इंदौर में गुटखा माफिया किशोर वाधवानी और कुख्यात आरोपी जीतू सोनी की शिकायत लेकर एक वृद्ध पीड़ित विजयनगर थाने पहुंचा। पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि इन पूंजीपतियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। 9 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके चलते अब पीड़ित ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। विजयनगर स्थित होटल वाव जिस जमीन पर बनी है वह जमीन पीड़ित जगदीश पालीवाल की है। इसको लेकर जगदीश पालीवाल ने जन सुनवाई और थाने थाने के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज फिर वे अपनी शिकायत लेकर विजयनगर थाने पहुंचे। पीड़ित जगदीश पालीवाल का कहना है कि उन्हें 9 महीने हो गए FIR दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस ने आज तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की। होटल वाव के मामले में जगदीश पालीवाल ने गिरीश मतवानी और किशोर वाधवानी के खिलाफ विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जगदीश पालीवाल का आरोप है कि विजयनगर पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस का पहले यह कहना था कि जीतू सोनी जब गिरफ्तार होगा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी, लेकिन जीतू सोनी के गिरफ्तार होने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। क्या मामला अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला किसी तरह का? हाँ, आज लगभग करीब 9 महीने हो गए मुझे रिपोर्ट FIR दर्ज करवाए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उन लोगों ने हमारे खिलाफ 3-3 झूठी रिपोर्टें भोपाल में दर्ज करवाई, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई और यहाँ पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो अपराधी हैं, मुख्य अपराधी, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई वो जीतू सोनी आ जाएगा तब होगा, तो जीतू सोनी को भी आया, आज महीना भर हो गया, लेकिन अभी तक मेरे ये FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया और वो लोग खुले घूम रहे हैं, वो हमारे खिलाफ प्रकरण पर प्रकरण दर्ज करवाए जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गिरीश मतलानी, किशोर वाधवानी परिवार और ये सब जितने भी पूंजीपति लोग हैं, इनके दबाव में पुलिस शायद इनसे मैनेज हो गई या क्या बात है, तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही मेरे आवेदन के ऊपर। कितना टाइम हो गया आपको? 9 महीने हो गए, 9/12/2019 को मेरी FIR दर्ज हुई थी और आज ये 9 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे पूरे। कहाँ के रहवासी हैं? मेरे 164 में बयान में मैंने जिन लोगों के आरोपियों के नाम बढ़ाने के लिए बोला था उनके नाम आज तक नहीं बढ़े, और ये लोग शायद पुलिस को उन्होंने मैनेज कर रखा है। पूंजीपतियों के दबाव में एक गरीब किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे सिवाय सामने सिर्फ अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि मैं तो वैसे ही बर्बाद हो चुका हूँ, तो अब क्या जी के क्या करूँगा मैं। मैं मिला लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जगदीश पालीवाल। उसमें जो मुख्य आरोपी था जीतू सोनी, उसका कल गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लिया था एक दिन का, पूछताछ कर जो साक्ष्य थे वो संकलित किए और आज उन्हें वापस कोर्ट पेश किया, इसलिए ये आरोप गलत है कि पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, उनको गिरफ्तार कर लिया है मुख्य आरोपी को हमने। दूसरे आरोपी है, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको लेकर दूसरे आरोपी के संबंध में इस प्रकार है कि उन्होंने जो FIR लिखाई थी उसमें और जो 164 के कथन दिए थे उसमें जो साक्ष्य थे वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। अब मुख्य आरोपी से हमारी पूछताछ हुई है और मेमोरेंडम लिया है, उसमें जो साक्ष्य आए हैं अब इस साक्ष्य को जो एनालिसिस कर हम आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब वो पूछताछ और जो पूछताछ हुई जो मेमोरेंडम हुआ है वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी हम उसको बाहर नहीं बता सकते। बस जल्दी मतलब उनको फरियादी से भी हमारी बात हुई है, फरियादी से ये हमारे यहाँ इस संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं, यहाँ पर धमकी के संबंध में है कि धमकी दी गई थी कि आप केस वापस ले लीजिए नहीं तो आपके खिलाफ पेपर में छापेंगे, ये धमकी का केस था, यहाँ पर इस संबंध में कोई केस नहीं था। जगदीश पालीवाल जी को हमने यही चीज़ बताई है कि भैया उनने जो FIR लिखाई है उसके तहत एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य जो आरोपी आपने 164 में बताए थे बढ़ाए थे ये बताए तो उनके संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और मुख्य आरोपी से जो पूछताछ की गई है वो सब साक्ष्य का एनालिसिस कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।